भागलपुर में दबंगों ने अछूत कहकर कई परिवारों को पानी लेने पर पाबंदी लगा दी है। मामला भागलपुर के बरारी थाना अंतर्गत बड़ी खंजरपुर का है, जहां महादलित परिवार की एक पूरी बस्ती सरकारी जगह पर रह रहे हैं और सरकारी नल से पानी पीने का काम किया करते थे, परंतु कुछ दबंगों ने उस नल को ही तोड़ दिया। दबंगों का साफ तौर पर कहना है कि तुम लोग अछूत जाति से हो, नल छूकर तुम लोग पानी को दूषित कर देते हो, आइंदा इस नल को किसी ने छुआ तो उसे स्वर्ग लोक पहुंचा दिया जाएगा। बरारी के खंजरपुर के रहने वाले पवन पासवान कहते हैं कि हम लोग जब सरकारी नल लगे से पानी लाने गए तो दबंग कविलाल यादव, नकुल यादव और उसके कुछ दबंग दोस्तों ने नल की टोटी ही तोड़ दी और कहा आइंदा इस नल को नहीं छूना, तुम लोग नल को छूते हो तो वह पानी अछूता हो जाता है और हम लोगों को गवारा नहीं। वहीं जबरन चुन्नू पासवान जब टूटे नल की मरम्मत कराने गया तो दबंगों ने जमकर पिटाई कर दी। पहले तो वह बेहोश होकर जमीन पर गिर गया, जब उठा तो शरीर के कई जगह पर चोट लगने के दाग थे, जिसके बाद सभी शिकायत लेकर बरारी पहुंचे तो वहां थानाध्यक्ष ने साफ तौर पर कह दिया कि यहाँ कोई रिपोर्ट नहीं लिखी जाएगी। फिर पूरे गांव के लोग फरियाद लेकर हरिजन थाना पहुंचे, जहाँ फरियाद लिखी गई। पिंकी देवी ने बताया कि हम लोगों को अछूत कहकर यहाँ के दबंग लोग कपड़े सफाई से लेकर पीने के पानी तक नहीं देना चाहते। साफ तौर पर यहाँ के दबंगों का कहना है कि हम लोग उच्च जाति के लोग है, तुम लोग निम्न जाति के हो, तुम्हारे नल छूने से पानी दूषित हो जाता है। मामले को लेकर पासवान समुदाय के तकरीबन 10 घरों के लोग हरिजन थाना पहुंचे और न्याय की गुहार लगाई है। 50 साल से रहते हैं और बाप दादा उसी कल से पानी पिया सर, कभी किसी का इतराज नहीं हुआ, लेकिन अभी कविलाल यादव दुर्गा पूजा में ही कल को बंद कर दिया, अब बोला कि छठ में खोलेंगे, लेकिन हम लोग आग्रह किए कि छठ में पर्व का समय है, कल वहाँ खोल दीजिए, पानी का दिक्कत होता है, लेकिन वो लोग जो है नहीं खोला और कल को तोड़ दिया। कौन लोग तोड़ दिया? कविलाल यादव और नकुल यादव, पिंटू भारती, ये सब। हाँ, क्या बोलता है? बोलता है कि यहाँ पे पानी नहीं भरने देंगे, छुआछूत होता है, तुम लोग आते हो सुबह सुबह कपड़ा खींचते हो, बर्तन मिसते हो या करते हो वह करते हो, पानी रोड पर गिरता है। और हम लोग जब कल फिर तोड़ दिया सर, जोड़ने के लिए गए हैं तो वो लोग मारपीट किया है, देखे चुन्नू पासवान को सर हाथ छचरा गया, कौन टाँग छचरा लगे यहाँ देखिए सर छचरा गया, जब रात में हम छोटा जात कह के कुछ बोलता है। हाँ, छोटा जात छुआछूत मानता है सर हम लोग से। क्या बोलता है? बोलता है कि तुम लोग बर्तन मिसते हो, किच किच करते हो, इस जगह पानी गिराते हो, जो कि पानी नाली में जाता है सर, अभी नया जो नाली बना है उसमें पानी जाता है। अरे लोग कल भी तोड़ दिया सर, हम लोग पानी के लिए कहूँ तो रहे हैं, कहाँ जाएंगे पानी पीने के लिए? बड़ी खंजरपुर। कौन थाना पड़ता है? हम लोग का बरारी थाना पड़ता है। थाना गए थे सर? क्या बोला? शाम में बोला क्या, रात में 10 बजे रात में गए थे, एप्लीकेशन नहीं लिख सके हम लोग, तो बोला क्या कि छोड़ दीजिए एप्लीकेशन, हम फोन कर देते हैं 112 को, 112 आया और उसको समझा के चला गया, फिर वही सुबह गाली गलौज किया। गए टूटा हुआ था सर, हम लोग छोटा जात का के, वो लोग पानी नहीं भरने देता है, बोलता है यहाँ किच किच होता है, तुम लोग को पानी यहाँ नहीं भरने देंगे, जिसको बुलाना है बुला, नहीं जोड़ने दिया, जोड़े भी तो सर तोड़ दिया, वो छोटा जात का के 10 घर पास मान है, बोलता है तुम लोग मेडिकल में रहता है यहाँ करता क्या है, जाओ यहाँ से। छुआछूत का? हाँ। क्या बोलता है? कि तुम लोग छोटा जात है, तुम लोग को पानी नहीं भरने देंगे, हाँ छुआ जाएगा यहाँ पे। बहुत परेशानी होता है सर, 20 दिन से हम लोग पानी के लिए बहुत अथी हो रहे हैं। कौन लोग ये सब करते हैं? कविलाल यादव करता है सर और नकुल यादव का बेटा पिंटू भारती। तो छोटा जात कर? हाँ, छोटा जात लेके, इसीलिए न मारने लगा सर, नहीं तो हम लोग अमीर घर का रहते हैं तो नहीं मारता, मार के उसको। आप क्या चाहते हैं? हमको पानी चाहिए सर, वहीं जहाँ से हम लोग शुरू से भरते आ रहे हैं वहीं हम लोग को पानी चाहिए, पानी के लिए कहाँ जाएंगे सर, वो सबको भी बोले कि आप ही लोग लगा दीजिए, हम लोग के पास पैसा नहीं है। भागलपुर में युवाओं को जहर की पुड़िया बेचने का काम कई वर्षों से चल रहा है, इस पर प्रशासन लगाम लगाने के लिए कई हटकंदे अपना रही है, लेकिन सरगना के मुख्य लोगों तक पुलिस नहीं पहुंच पा रही। आए दिन सफलता भी मिलती है, लेकिन ब्राउन शुगर तस्कर को इसका थोड़ा भी खौफ नहीं है, इसका व्यवसाय भागलपुर में खूब फल फूल रहा है। इसी बाबत प्रशासन ने मुस्तैदी दिखाते हुए एक ब्राउन शुगर तस्कर को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ताजा मामला भागलपुर के इसाकचक थाना क्षेत्र का है। इसाकचक थाना की पुलिस ने करीब 36 ग्राम ब्राउन शुगर और एक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ तस्कर को दबोच लिया। वहीं गिरफ्तार तस्कर भीकनपुर खदैया टुला निवासी गोपाल राय का पुत्र चंदन कुमार राय बताया जा रहा है। गिरफ्तार तस्कर चंदन राय पहले सेल्समैन की नौकरी करता था, लेकिन ब्राउन शुगर की तस्करी में अधिक आमदनी होने लगी तो सेल्समैन की नौकरी छोड़कर इसी व्यवसाय में रम गया। इस संबंध में सिटी SP शुभम आर ने बताया कि पिछले महीने इसाकचक थाना क्षेत्र से
24 ग्राम ब्राउन शुगर और 18,000 रुपए नगद के साथ गिरफ्तार तस्कर राहुल कुमार सिंह की निशानदेही पर ही यह कार्रवाई की गई है। पत्नी का कहना है कि हमारे पति को फंसाया गया, वो इस कार्य में संलिप्त नहीं है, परंतु सीआईडी की टीम चंदन राय के पास से 36 ग्राम ब्राउन शुगर और वेटिंग मशीन बरामद की है। प्रशासन की ओर से कहा गया है पूछताछ के बाद जल्द ही मुख्य सरगना तक पहुँचा जाएगा। थाना में की कर रहा छे पति छोड़ा की कर पति जे पुलिस ले गेलो छे पुलिस यही लग रहा कि अगर बगल में अगर फसेलो गेलो छे ई गेले ठेला पर बोल के अगर टेम्पू बगल में घर के टेम्पू छे पर बोल के कि या यहाँ पी है वहाँ पर माल रखी दल के उसने अब की कर लेकर निकल के भगवान जन है की माल है माल की छले हमरा तो नहीं मना बने पड़े की छले माल पुलिस बतल के ने पति कने आनल छे की माल छे पति के पास पूरा नाम की कह जा मरने फूट का जाके की का जाए से बोले जाओ फूड ब्रांड शुगर हाँ यही होता। अच्छा तो वहाँ पर अले तो वहाँ कल गरीब चले वो मतलब कल माल में गरीब चले भाई ले गए हमरा नहीं मालूम कि मैं किस कहने का इस पैकेट में डाली लगे पैकेट में एक प्रशासन घेरे लगे तो कुछ नहीं है देखो हम कुछ नहीं है कर लो चाहे बाकी मौके पर ये सब खड़ा है जैसे चारों पत्नी प्रशासन घेर लगा ना देखा थे मूर्ति में हाँ देखा जी की हाथों में चले भाई कल कि मैं यही सोच की हाय कहाँ से इतना सामान ले लिया भविष्य में मैंने समझ लिया कि हमारा जीवन में ले कोई भी गलत करते के फसल के वो फसल के हम कैसा नाम हो जन चिन्ह तब ना अच्छा, दूसरा आदमी इनका पैकेट में दे दिल के पैकेट में दिल के ना और पियल बोले के बोले लगला हम रखल के और चली गेले अब कोई भी समझ आदमी रखने में उठेबे ना करता है मैं समझ लिया था कि गलत से कि सही जाइए पैकेट में ले ले के सर पैकेट में लेके धीरे धीरे घर आवे ले पति की करे छे अपने हमारे पति बिटनिया में काम करे की नाम बोले चंदन कुमार राय बाल बच्चा छे अपने का हाँ चार बच्चा है और के छे घर में जो भरण पोषण करे वाला अभी कोई ना बस एक हमारे ससुर तो हम लोग परलाइश हो गए छः साल हो गए कहाँ रहे छे घरे में रहे परलाइश नहीं हो गए कहाँ अपने घर कहाँ होले यही बगल भीगलपुर भागलपुर के इसाकचक थाना क्षेत्र के बड़ी पोस्ट ऑफिस के समीप डॉक्टर रश्मि सीमा कुमारी के क्लिनिक में नवजात की मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। मामले को लेकर बताया जा रहा है कि सनहौला के बनियापट्टी निवासी सुमित कुमार झा अपनी बेटी की डिलीवरी करवाने के लिए डॉक्टर रश्मि सीमा कुमारी के क्लिनिक में भर्ती कराई थी, जहां डिलीवरी के दौरान नवजात की मौत हो गई। नवजात के परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर ने जानबूझकर ऑपरेशन करने का दबाव बनाया था। ऑपरेशन कराने के लिए राजी नहीं होने पर डॉक्टर ने जानबूझकर नवजात की जान ले ली। नवजात की मौत के बाद परिजनों का रो रोकर बुरा हाल है। मामला है कि सुबह में 6 बजे इनके पास डिलीवरी पेशेंट के लिए लाए थे बच्ची को और डॉक्टर जो है सो देख लिए, उसके बाद जो है सो 12 हाट में जो है सो हॉस्पिटल में चले देखने के लिए। अब 5 बजे शाम में आई है तो उस समय घीच घास के बच्चा को निकालने में नॉर्मल डिलीवरी कराने के फेरा में बच्चा एक्सपायर कर गई और उसके बाद घीच घास के निकाल दिया और बता दिया गया कि बच्चा आपका एक्सपायर कर गया। भागलपुर की नवगछिया पुलिस जिला के बिहपुर थाना क्षेत्र के सोनवर्षा में घर में घुसकर दो बच्चों को लहूलुहान कर मौत के घाट उतारने व एक बच्चे और महिला को गंभीर रूप से घायल करने में नवगछिया एसपी ने जांच कर मामले का खुलासा किया है। दरअसल महिला के पति भूपेंद्र दास ने ही अपनी पत्नी व बच्चों को पीट पीट कर घायल कर दिया था। इलाज के दौरान दो बच्चों की मौत हो गई थी। पुलिस ने भूपेंद्र दास से सख्ती से पूछताछ की, मामला स्वीकार करते हुए रोज आपसी विवाद का कारण बताया। एसपी ने बताया कि उस दिन भी आपस में विवाद हुआ था, जिसके बाद भूपेंद्र ने पत्नी और बच्चे को खूब पीटा था। उसने खुद घटना से आहत होकर दीवार में सर पटक लिया था। आपको बता दें कि 3 नवंबर को एक कमरे में भूपेंद्र दास, उसकी पत्नी, 3 मासूम बच्चे खून से लथपथ थे। ईट रॉड से उन पर हमला किया गया था। मायागंज अस्पताल में 5 का इलाज चल रहा था। इस दौरान 2 बच्चों की मौत हो गई थी। विभत्स घटना घटी थी बिहपुर में। एक ही परिवार में जानकारी मिला कि पति पत्नी और बच्चे सभी जख्मी हैं, तो तत्काल लोकल थाना पुलिस थी बिहपुर, उन लोगों की मदद से उसे इलाज के लिए भेजा गया। मायागंज में इलाज क्रम में उसके 2 बच्चे की मृत्यु, जो 2 साल 3 साल का था, दोनों की मृत्यु हो जाती है। और मैं खुद भी वहाँ घटनास्थल पर गया था। लोगों से जो पूछताछ हुई उसमें बात ये सामने आई थी तत्काल कि पति पत्नी में आपसी कलह बहुत 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 था, या आपसी कलह न और आए दिन आपसी लड़ाई मारपीट दोनों पति पत्नी करते रहते थे। और चूँकि उसमें सभी बेहोश था, जो पति पत्नी दोनों बेहोश था, क्योंकि लोगों ने
बताया कि और उसकी माँ थी और एक छोटा बेटा था, वो भी हमें बताया कि पिताजी ही नहीं मेरे मम्मी को और अन्य भाइयों को जख्मी किया है। तो बेटा भी जो बड़ा बेटा है वो मुश्किल से समझता हूँ कि 7 या 8 साल का होगा, उसने बताया था कि पिताजी ने ही मम्मी को और बच्चों से जख्मी किया है। वो जो उसका जो था भूपेंद्र दास, वो जब होश आया उसे पूछताछ किया, उसने कन्फेस भी किया, बोला हाँ मैंने ही जख्मी किया है। तो पूछना करने वही बात जो लोगों ने बताया कि आपसी कलह था, उसी आपसी कलह में घर में रखे हुए ईटा से एक प्लायर होता है उससे उसने जख्मी किया, पहले अपने पत्नी को, पत्नी बेहोश हो गई तो दो बच्चा जग गया, फिर उसको मारा, वो दोनों बेहोश हो गया। फिर ये इसे भय हुआ कि यदि हम घर से बाहर निकल हमको भी लोग गाँव वाला मिल के मार देगा, वो भी अपना वो सिर दीवार पे पटका, उसे सिर में जख्म हुआ। तो तत्काल हम लोग टीम को बुलाया था, FSL की टीम आई थी पटना से, फिंगरप्रिंट की टीम आई थी, जितने भी मतलब सीजर था उन्होंने बनाया है, और आगे हम लोग कोशिश करेंगे कि इसे हम लोग स्पीड। भागलपुर जिले में चल रहे ओवरलोडेड वाहनों और अवैध बालू की ढुलाई को लेकर जिला परिवहन विभाग और MBI ने बड़ी कार्रवाई करते हुए दर्जनों वाहनों से लाखों रुपये जुर्माना वसूला है। ASI चेतन अनिमय और ललित कुमार दुबे के नेतृत्व में बायपास TOP से पूरे भागलपुर नाथनगर बायपास पर विशेष अभियान चलाया गया। इस दौरान कई ओवरलोडेड वाहनों और बालू लदे गाड़ियों से लाखों रुपये जुर्माना वसूला गया। परिवहन विभाग और MBI की कार्रवाई के बाद अवैध रूप से वाहन चला रहे वाहन मालिकों में कंप का माहौल देखा जा रहा है। कार्तिक पूर्णिमा को लेकर भागलपुर के शहरी क्षेत्र सहित कई गंगा घाटों पर देर रात से ही भक्तों की भीड़ गंगा स्नान करने के लिए उमड़ पड़ी। लोग गंगा स्नान करने के साथ साथ गंगा में दीपदान भी करते दिखे। पूजा पाठ करने के बाद श्रद्धालु गरीबों के बीच दान भी कर रहे थे। बरारी स्थित सीढ़ी घाट, पुल घाट, जहाज घाट, बुढ़नाथ घाट सहित कई गंगा घाटों पर भागलपुर के आसपास के कई जिलों सहित पड़ोसी राज्य झारखंड से भी लोग आस्था की डुबकी लगाने पहुंचे थे। ऐसी मान्यता है कि आज के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा गंगा स्नान करने के बाद करने से घर परिवार में सुख समृद्धि आती है। वहीं गंगा का जलस्तर घटने के बाद घाटों की स्थिति काफी खराब हो गई है। घाटों में काफी दलदल देखा गया, इसके बावजूद भी भक्त काफी परेशानियों का सामना करते हुए गंगा स्नान करते दिखे। आज कार्तिक पूर्णिमा का बहुत महत्व है, लोग एक महीना से गंगा घर में नहाते हैं कार्तिक, और गंगा स्नान करते हैं, करने आते हैं, दिया बसाते हैं, 100 दीप का दीप जलाते हैं, 30 दीप का दीप बसाते हैं गंगा में। गंगा का हालात क्या है जी? देख रहे हैं गंगा का हालात क्या है, बहुत लोग नहा रहा है, बहुत लोग घूम के जा रहा है। गंगा के तट पर बसे भागलपुर में गंगा के शीतल व कलकल धारा के बीच अटखेलियां करते डॉल्फिन नजर आते हैं। सुल्तानगंज से कहलगांव तक 71 किलोमीटर का क्षेत्र विक्रमशिला गांगटिक डॉल्फिन अभयारण्य घोषित है। 71 किलोमीटर के दायरे में पिछले वर्ष किए गए सर्वे में डॉल्फिनों की संख्या 188 थी, जो बढ़कर अब 208 पहुंच गई है। यह सर्वे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट की टीम ने जनवरी से लेकर जून तक किया था। इससे पहले 2012 में अभयारण्य क्षेत्र में डॉल्फिनों की संख्या में बढ़त देखी गई थी। 2018 की बात करें तो यह संख्या 171 के करीब थी, जो अब 208 पहुंच चुकी है। भागलपुर के लिए यह गौरवपूर्ण तो है ही, साथ ही साथ पर्यावरण के लिए भी शुभ संकेत है। वन विभाग डॉल्फिन का संरक्षण करती है। विक्रमशिला गंगटिक डॉल्फिन सेंचुरी में अवैध रूप से जाल लगाने वालों पर भी नकेल कसी जा रही है, लेकिन लोग अभी भी चोरी छिपे जाल लगाते हैं, जिसमें डॉल्फिन को कहीं न कहीं नुकसान पहुंच रहा है। बावजूद इसके डॉल्फिन यहां लगातार अटखेलियां करते नजर आते हैं। अगर जाल पर पाबंदी पूरी तरह से हो तो डॉल्फिन के लिए क्षेत्र और भी अनुकूल होगा, साथ ही प्रजनन दर में भी वृद्धि देखी जा सकेगी। वन विभाग के वन चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर संजीत कुमार ने बताया कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट के द्वारा लगातार 20 साल से सर्वे किया जा रहा है। इस वर्ष के सर्वे में 208 की संख्या देखी गई, पिछले वर्ष यह 188 था। डॉल्फिन के कार्फ ज्यादा देखे गए हैं, यह इसलिए हुआ क्योंकि 3000 किलोग्राम अवैध जाल सीज किया गया है सुल्तानगंज से कहलगांव तक। इस कारण से नर और मादा डॉल्फिन के लिए मेल सुगम हुआ, इस वजह से संख्या में बढ़ोतरी देखी जा रही है। अभी तो यही हम लोगों को इंडिकेशन मिला है इस बार जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ट्रस्ट के द्वारा, और लगातार 20 साल से सर्वे करते हैं, हर एक साल करते हैं। इस साल जो है, इस साल भी 22 में जनवरी टू जून किए हैं, तो उसमें 208 प्लस माइनस 6 आया है, तो पिछले साल जो था 188 था। इस पर बहुत बढ़ोतरी हुआ है, लगभग 20 डॉल्फिन ज़्यादा देखा गया है,
इससे सबसे बड़ी बात है कि इसमें बच्चों की संख्या जो है डॉल्फिन का काफ जो है बहुत दिखा है। तो इसका कारण है कि पहले जो अवैध जाल था लगाता था फिशिंग का, मतलब इलीगल फिशिंग टेक्निक था, तो उसको जो जाल का सीजर हुआ है लगातार, लगभग 3000 kg के लगभग जाल सीजर हुआ है। तो जो कॉरिडोर है सुल्तानगंज तो कहलगांव, जो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन आश्रयणी का क्षेत्र है, इसमें ना के बराबर जाल रहने दिए हैं, है ना। तो इससे क्या हुआ, आवागमन सुगम हो गया है, जो मेल डॉल्फिन फीमेल डॉल्फिन आपस में मिल रहा है, इसी के परिणाम है जब बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं। जब बच्चे ज़्यादा होंगे तो आने वाले दिनों में जो संख्या भी है ये भी बढ़ जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव को अरबों रुपए की राशि की योजना दी, जिसमें उनकी सोच थी कि अब लोग खुले में शौच ना करें। इतना ही नहीं, शौचालय को लेकर केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार ने भी शौचालय के नाम पे करोड़ों खर्च किए, लेकिन योजना धरातल पर नहीं उतरती दिख रही है। भागलपुर के बरारी मायागंज के समीप मुसहरी घाट जाने वाले रास्ते के मुख्य मार्ग पर पूर्व मेयर दीपक भुवानिया के द्वारा सार्वजनिक शौचालय का उद्घाटन किया गया था, जिसकी लागत उस समय 6,92,630 रुपये आई थी। शौचालय का उद्घाटन तो हुआ, लेकिन अभी तक आम लोगों के उपयोग के लिए नहीं खोला गया। आपको बताते चले कि सार्वजनिक शौचालय पर ताला जड़ा हुआ, स्थिति बद से बदतर हो गई है। आम लोगों ने बताया जब से निर्माण हुआ है तब से ही ताला जड़ा हुआ है। हम लोग अभी भी गंगा किनारे खेतों में रास्ते किनारे शौच करने को मजबूर है। 10 साल से शौचालय बंद करके और बंद कर दिया है। जब से शौचालय बना है बंद कर दिया है। हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है, पक्की में करता है, मारपीट एकदम, सब रोड पे पैर लेटरिंग करता है। भागलपुर में प्रकाश पर्व पर तीसरे दिन गुरु नानक देव की 544वीं जयंती धूमधाम से मनाई गई। सिख समुदाय के लोगों ने भजन कीर्तन किया और लंगर में शामिल हुए। प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य पर तीसरे दिन गुरु नानक साहिब के द्वारा बताए गए कार्यों को लेकर प्रवचन और कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें जिले के बाहर से आए सूफी संतों ने प्रवचन दिया। भंडारे के साथ साथ आरती का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर कांग्रेस विधायक दल के नेता सह भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने गुरुद्वारा पहुंचकर मत्था टेका। वहीं गुरुद्वारा में काफी संख्या में कई धर्मों के लोग पहुंचकर मत्था टेके और बाहर से आए संतों द्वारा दिए गए प्रवचनों को भी सुना। भागलपुर के स्टेशन चौक पर राजद के कार्यकर्ताओं के द्वारा मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया गया। बता दें बुधवार को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के जन्मदिन को लेकर यह कार्यक्रम रखा गया। कार्यक्रम में भागलपुर के तमाम राजद कार्यकर्ता एवं राजद के पदाधिकारीगण उपस्थित होकर एक दूसरे को मिठाई खिलाई और मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। इस संबंध में राजद के जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर यादव ने कहा कि बिहार के युवा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का जन्मदिन के पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में नाथनगर विधायक अली अशरफ सिद्दीकी, चक्रपाणि हिमांशु, यादव अमर यादव, प्रोफेसर अलाउद्दीन, संजय यादव के अलावा सैकड़ों की संख्या में राजद कार्यकर्ता उपस्थित थे। बिहार के उप मुख्यमंत्री और हम लोग के राष्ट्रीय जनता दल के नेता परम आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जन्मदिन है। उसका आज पूर्व संध्या पर हम लोग राष्ट्रीय जनता दल, जिला राष्ट्रीय जनता दल का पूरा परिवार आज पूरा मिठाई बांट कर उनके जन्मदिन के पूर्व संध्या पर लोग उनको बधाई और दीर्घायु होने का हम लोग कामना करते हैं। संध्या पर हमारे नेता के जन्मदिन के पूर्व संध्या पर यह मिठाई बांट के सारे लोगों को से बधाई दे रहे हैं हम लोग, और उनके लंबी उम्र सेहत के साथ उम्र का सामना करते हैं। मोकामा में राजद की विजय हुई जी, इसमें आप क्या कहें? और ये हम लोगों की उपलब्धि है, हमारी दल की उपलब्धि है, दल की उपलब्धि है, और जो है हम इसको बहुत अच्छे नज़र से देखते हैं।